देखो 12th बायोलॉजी, अगर आप ये टोटल आप तैयार कर लेते हैं तो पास होने वाले तो नंबर आ ही जाएंगे आपके पास, क्या ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि यानी काढ़ा तैयार किया है, जिसे आप अगर पी लेते हैं तो परीक्षा में डिप्रेशन, टेंशन, सरदर्द नहीं होगा बायोलॉजी के पेपर में। ठीक, क्लियर, पास तो आप हो ही जाएंगे। ठीक, तो इसका पहला है बायोटेक्नोलॉजी, एक लेसन आता है, उस लेसन से कम 30% पेपर का उठाएगा। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ लेना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आता है इंसुलिन टीका कैसे तैयार करते हैं, इंसुलिन हम कैसे बनाते हैं, जैसे डायबिटीज की बीमारी होती है उसमें इंसुलिन का टीका लगाया जाता है, तो वो हम कैसे तैयार करते हैं उसका पूरा देख लेना किताब से। ठीक है, फिर है बैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नसबंदी और नलबंदी होती है, नसबंदी और नलबंदी होती है, तो बैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी तैयार करना। इसको हिंदी में भी पूछ सकता है या अंग्रेजी में कन्वर्ट करके पूछ देगा, बोलेगा बैसेक्टोमी क्या होती है या ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, हिंदी में लिख के दे देगा। ठीक है, तो नसबंदी नलबंदी होती है। ठीक है, या IVF बोलेगा, जिफ्ट गिफ्ट बोलेगा, इनमें से कोई कोई एक आ सकता है, जिफ्ट गिफ्ट आ सकता है, फुल फार्म आ सकती है। ठीक, गैमेट इंटा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, ठीक है, या जाइगोट इंटा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। ठीक है, IVF पूछ सकता है। ठीक है, या फिर बोलेगा MTP क्या होती है, MTP एक ऐसी विधि होती है जिसमें सगर्भता को सगर्भता का समापन किया जाता है मेडिकल तरीके से। ठीक है, तो ये फुल फार्म में ध्यान रखना, इनमें से कोई ना कोई जरूर आ सकती है, IVF आ सकती है, जिफ्ट आ सकती है, गिफ्ट आ सकती है, या फिर MTP आ सकती है। ठीक, आगे देखो, कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए, ये दोनों तैयार कर लेना, इनमें अंतर आ सकता है। ठीक, इनमें अंतर आ सकता है, कोडिंग डीएनए या फिर नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है, इनमें अंतर आ सकता है, या फिर अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, और एक और आता है, डीएनए और आरएनए में अंतर भी आ सकता है, डीएनए और आरएनए में अंतर भी आ सकता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में हार्मोन्स देख लेना। ठीक है, फिर सिंड्रोम वाली जो बीमारी होती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, क्राइड-चेट सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये जितने होते हैं वो सब देख लेना। इसमें एक बात ध्यान रखना, कौन सी जोड़ी का गुणसूत्र कम हो रहा है और कौन सी जोड़ी का गुणसूत्र अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, इस बात पे ध्यान रखना, में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे 11वीं जोड़ी का, कभी कभी 13वीं जोड़ी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कभी। ठीक है, तो हार्मोन सिंड्रोम पे ध्यान रखना। फिर है प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर में एक PVR 322 होगा, एक PUC होगा। ठीक, PVUC ऐसे कुछ है जिसमें बोलीवर और रोड्रीगेज ने इसकी खोज की थी, प्लाज्मिड वेक्टर PVR 322 की। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ लेना उसको। ठीक है, तो प्लाज्मिड वेक्टर पे आ सकता है, दोनों देख लेना, वेक्टर्स के प्लाज्मिक वेक्टर। फिर बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, या फिर इसका आ सकता है जैव विविधता क्षति के कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए, कोई चार पांच आपको कारण देने पड़ेंगे या तीन कारण देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता क्षति के कारण, तो तीन कारण तैयार कर लेना। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता पर कुछ न कुछ हर साल पूछा जाता है 100%। ठीक, फिर है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब ये प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, तो प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र को इसको तैयार कर लेना। फिर आता है सेवज, सेवज का मतलब होता है बाहितमल, सेवज का मतलब होता है बाहितमल, तो बाहितमल पर टिप्पणी आ सकती है या एक नंबर में आ सकता है या दो नंबर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट फोन वाईफाई वाला नहीं है, कौन सा हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट का मतलब होता है तप्त स्थल, ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, तैयार कर लेना, और कुछ हॉटस्पॉट उनके नाम भी तैयार कर लेना। ठीक, कहाँ कहाँ है मतलब ये। फिर अगला है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द्वि निषेचन, द्वि निषेचन। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। फिर है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन, अनुलेखन की पूरी क्रिया तैयार करना।
ठीक, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, और कैसे आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन की क्रिया पर, तो ये पूरा देख लेना है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, अनुलेखन मतलब किसे कहते हैं, ये पूरा देख लेना। ठीक, फिर अगला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसमें बायोलॉजिकल तरीके से आएगा, समष्टि किसे कहते हैं। समष्टि मतलब एक तरीके जनसंख्या होती है, समष्टि मतलब जनसंख्या, जैसे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं की जनसंख्या ही क्या कहलाती है, समष्टि। जैसे तालाब में है बहुत सारी मछलियां हैं, कुछ अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, वो उनकी संख्या क्या हो गई, उनकी एक अलग समष्टि हो गई। तो समष्टि से संबंधित एक ये भी क्वेश्चन उठाया जाता है, वक्र आते हैं, यश वक्र और जय वक्र, यश वक्र और जय वक्र दोनों पढ़ना। ठीक है, यश वक्र और जय वक्र और संभार तंत्र ध्यान रखना। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनेगा समष्टि में, ठीक, उसको पढ़ लेना, उसकी एक समीकरण आती है। ठीक है, फिर है ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक। ट्राइसोमिक का मतलब होता है त्रिसूत्रता, ठीक, त्रिसूत्रता। फिर मोनोसोमिक का मतलब होता है एकल सूत्रता। ठीक, ये आपकी एक एक दो दो नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक है, ट्राइसोमिक मोनोसोमिक, इसको बोलते हैं त्रिसूत्रता और उसको बोलते हैं एकल सूत्रता। तो त्रिसूत्रता और एकल सूत्रता एक या दो नंबर में जरूर आ सकती है। ठीक है, तो जितने हमने बताए हैं ये 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, आएंगे जरूर, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हर साल जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर? ठीक है,